अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास P1 एंड N1। आई एम योर मैथमेटिक्स लेक्चरर इरम मुश्ताक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पंजाब ग्रुप हाई स्कूल डड़ावाला। स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन एंड वेल। टुडे 3rd June 2020 वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। वी विल ऑल्सो डिस्कस एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इन दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका अलग अलग क्यूब है, 27 है। देखें इसका भी क्यूब बन सकता है, ये बन सकता है 3 क्यूब, और 8 है, 8 2 का क्यूब बन सकता है, और इसके साथ ये 2x, ये सेकंड टर्म हो गई। दोनों टर्म्स का अलग अलग क्यूब और दरमियान में प्लस हो, तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था क्यूब का अलग अलग। फिर हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट टर्म का स्केयर लिखते हैं और सेकेंड टर्म का स्केयर लिखते हैं और दरमियान में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, ये इसमें ये बात याद रखने वाली है कि जब दरमियान में प्लस का ये फार्मूला होता है, जब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे उसके साथ माइनस लग जाता है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 3, सेकेंड टर्म है 2x, यहाँ पे प्लस लग जाएगा। उसके बाद आपने फर्स्ट टर्म का स्केयर लेना है, 3 स्केयर, वो आ जाएगा 9। फिर आपने फर्स्ट और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और अगर प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 3 2 6x हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर सेकेंड टर्म का स्केयर लेना है, सेकेंड टर्म है 2x, जब उसका स्केयर लेंगे तो वो हो जाएगा 4x स्केयर। ये आपके पास फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन दो टर्म्स है जिनके दरमियान जो है वो क्यूब है इनका, और दरमियान में माइनस है, तो इसमें फार्मूला वही रहेगा लेकिन सिर्फ माइनस के लिए जो है, दोनों टर्म्स का अलग अलग क्यूब और दरमियान में माइनस। फार्मूला बेटे आप जो रेलिवेंट होता है वो साथ में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने जो है वो सॉल्व करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चंस की टर्म पे अप्लाई करते हुए उस फार्मूले को। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं जी, 125 बन जाता है 5 का क्यूब, 5x क्यूब, ये फर्स्ट टर्म हो गई है, और 216 बन जाता है 6 क्यूब, तो ये 6y जो है वो ये सेकेंड टर्म हो गई है। ये जनरल फार्मूला भी इसमें मेंशन किया हुआ है, कैसे होता है जनरल फार्मूला, फर्स्ट और सेकेंड को लिखेंगे माइनस लगा के, फिर फर्स्ट टर्म स्केयर, सेकेंड टर्म स्केयर, दरमियान में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और अगर माइनस का फार्मूला है तो यहाँ पे प्लस आता है, और प्लस का फार्मूला होता है तो यहाँ पे माइनस आता है। यहाँ पे आ जाएगा ये फर्स्ट टर्म है 5x, सेकेंड टर्म है 6y, ये इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म का स्केयर लेना है, फर्स्ट टर्म का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 5x होल स्केयर, यानी कि वो 25x स्केयर बन जाएगा। फिर फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है और प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस का फॉर्मूला है, तो 5 6 आर 30, और यहाँ पे xy इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 6y स्केयर, तो 6 का जब स्केयर लेते हैं वो 36 आ जाएगा, 36y स्केयर, तो ये बेटे सेकेंड इसका पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब, 64 क्यूब बनता है 4 का, और 27 बनता है 3 का, उनके साथ जो वेरिएबल है उनके ऑलरेडी क्यूब्स हैं और लिखे हुए, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास 4x जिसका क्यूब है, सेकंड टर्म आ जाएगी 3y जिसका क्यूब है। ये जनरल फार्मूला है, उसके बाद इस जनरल फार्मूले को इस क्वेश्चंस की टर्म पे अप्लाई करेंगे। हम जनरल फार्मूला देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म प्लस में ऐसे ही, उसके बाद जो है वो फर्स्ट टर्म का स्केयर है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करना और प्लस का फार्मूला हो तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, उसके बाद सेकेंड टर्म स्केयर, और यहाँ पर a³ + b³। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4x, सेकंड टर्म है 3y, 4x + 3y, ये आपके पास एक ब्रैकेट आ गई। अब अगले वाली पूरी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होती है, उस ब्रैकेट में क्या लिखते हैं जी, फर्स्ट टर्म स्केयर, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 4x, उसका स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 16x स्केयर। उसके बाद जो है वो दरमियान में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है वहाँ पे ये वाली साइन यहाँ पे माइनस का आता है, तो 4 3 12, और xy जो उसके वेरिएबल हैं साथ एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद फॉर्मूले में है सेकेंड टर्म स्केयर, तो सेकेंड टर्म है हमारे पास 3y, जब 3y का स्केयर लेंगे वो हो जाएगा 9y स्केयर। तो बेटे इसके मैंने आपको 3 पार्ट सॉल्व करके दिखाए हैं, 4th पार्ट इसका एज इट इज़, प्लस का भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, माइनस का भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसका 4th पार्ट जो है वो खुद सॉल्व करना है। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 में हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या है बेटे, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और एक लीनियर फैक्टर जो है वो साथ में गिवन है, उस लीनियर फैक्टर से हम जो है वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हमने इस वाली जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की जगह पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, यानी डू एज डायरेक्टेड वाली सिचुएशन है, जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशन होंगे, अरिथमेटिक, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का वो परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो है वो उसका रिमाइंडर होगा। यानी कि ऐसे हो जाता है कि इस फिर पॉलिनोमियल को ये कंसीडर किया जाता है कि इस लीनियर फैक्टर पे डिवाइड किया जा रहा है, और बाद में जो आंसर आता है उसको आप रिमाइंडर का नाम देते हो। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को आप यूज़ करें टू फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x³ - 10x² + 13x - 6, उसे हमने डिवाइड करवाना है x - 2 पे। अच्छा, जिस पे डिवाइड करवाना है आपने जो है वो उससे वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। जब x - 2 है इस पे डिवाइड करवाना है, ये इज इक्वल टू, इसको 0 के कंसीडर करें तो ये -2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई है +2। तो ये जो p ऑफ x है ये आपके पास कैसे, ये x की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है, और ये फिर जब 2 वैल्यू पुट कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास रिमाइंडर के इक्वल होगा। इस पूरी पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे, यानी रिमाइंडर हमने फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3x की जगह पे हमने 2 वैल्यू पुट की, वो 2 वैल्यू कहाँ से आई है, ये वाली। आप इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये x - 2 जो भी उन्होंने लीनियर फैक्टर दिया उसको किसी 0 के इक्वल कंसीडर कर लेंगे, और फिर x इसी तरफ रहेगा और ये वाला 2 जो है वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसी तरह अगर ये वाला 2 इधर प्लस का होता तो उधर जाके माइनस का हो जाना था। इस तरीके से ये जो है वो वैल्यू निकाली है वेरिएबल की, उस वैल्यू को अब मैं इसमें पुट करूँगी। तो x का क्यूब है तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा, -10 एज इट इज़ आएगा। उसके बाद x का स्केयर है तो यहाँ पे 2 का स्केयर आ जाएगा, फिर +13 एज इट इज़, x उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू जो है 2 वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नेक्स्ट है -6 वो एज इट इज़ आएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 क्यूब का मतलब होता है बेटे 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 आ जाता है। इसी तरह 2 स्केयर का मतलब होता है 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो -40 हो जाएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 26 हो जाएगा, और ये वाला आपके पास है -6। अब ये जो प्लस के हैं इनको आप सॉल्व कर लेंगे, 24 और 26 इन दोनों को ऐड करेंगे, और ये जो -40 और -6 है इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर प्लस वाले में से माइनस वाले को जो है वो माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 आंसर। या इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पर भी सारी की सारी टर्म्स को लिख सकते हैं तो आपके पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप जो है वो इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे, अभी हम उनको भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 4x³ - 4x + 3, ये पॉलिनोमियल है और इसको हमने डिवाइड करवाना है 2x - 1 पे। डिवाइड करवाने का तरीकाकार बेटे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है कि x की जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है। देखें, इसको 0 के इक्वल लेट कर लें, रफ में आप ऐसा कर लें, -1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू बचेगी 1/2। चूंकि हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं, रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट होगा, जब इस p of x यानी x की जगह पे आप 1/2 पुट करेंगे। वो 1/2 हमने कहां से निकाला है, ये जो लीनियर फैक्टर साथ में दिया हुआ था इसको 0 के इक्वल रख के रफ में आपने निकाल लेना है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू आता है पॉलिनोमियल में जब x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे। ये पॉलिनोमियल है, इसमें जहां जहां पे वेरिएबल x है उसमें आप 1/2 पुट कर देंगे। 4 है सबसे पहले, उसके बाद 1/2³, उसके बाद -4, x की जगह पे फिर अगेन 1/2 पुट किया, और यहाँ पे है आपके पास +3। 1/2 का क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे हम तो वो आ जाएगा 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये स्टार्ट पे आपके पास रह गया 1/2। उसके बाद यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 1/2 से, 2 2s are 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला +3 एज इट इज़ है। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो एलसीएम वाला 2 है इनको कैंसिल करने के लिए इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये वाला 2 जो है वो इनसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। अब ये इनको सबको सॉल्व करेंगे, 1 और 6 दोनों प्लस के हैं, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे तो ये 3 रह जाएगा, 3/2। यानी इस पॉलिनोमियल को जब इस लीनियर फैक्टर पे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपके पास आ जाता है 3/2।
नेक्स्ट है हमारे पास 2x माइनस 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10। ये आपके पास एक जो है वो पॉलिनोमियल है, इसको आपने डिवाइड करवाना है 2x प्लस 1 पे। तो चूंकि ये 2x प्लस 1 को मैंने आपको बताया था 0 के इक्वल रख लेंगे, प्लस 1 बेटे उस तरफ जाके माइनस 1 हो जाएगा, और चूंकि हमें सिर्फ इस तरफ x की वैल्यू चाहिए तो उधर जाके 2 डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/2। यानी एक्स की वैल्यू इसमें हमारे पास आ गई है माइनस 1/2। अब जहाँ जहाँ पे आपके पास जो है वो रिमाइंडर, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आप इस पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें एक्स की जगह पे माइनस 1/2 पुट करेंगे। तो ये जहाँ जहाँ पे वेरिएबल मेंशन है, अब हम उसकी जगह पे माइनस 1/2 पुट करते जाएंगे। ये स्टार्ट वाला 2 एज इट इज़ आएगा, एक्स की जगह पे हमने माइनस 1/2 पुट किया, ये अगले वाला माइनस 1 एज इट इज़, और चूंकि सारी का क्यूब था तो यहाँ ब्रैकेट लगा के ये वाली हमने क्यूब लगा दिया। नेक्स्ट प्लस 6 एज इट इज़ है, 3 प्लस 4 भी एज इट इज़ है, एक्स की जगह पे माइनस 1/2 लगाया है, और ये बाहर उस पूरी टर्म का यहाँ तक स्केयर था तो हमने उसके ऊपर स्केयर लगा दिया और माइनस 10। अब बेटे ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल होगा, ये माइनस 1 और माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2, और जब माइनस 2 का आप क्यूब लेते हैं तो वो हो जाएगा माइनस 8। उसके बाद नेक्स्ट अगले को देखते हैं, 2 2s are 4, यहाँ पे है जी माइनस 2, क्योंकि 2 इस माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और 3 उसके साथ एज इट इज़, और जो बाहर 6 था वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस 10 भी एज इट इज़ लिख देंगे। 3 माइनस 2 इसका मतलब है 1, 1 का स्केयर लेंगे वो 1 नहीं रहेगा, और उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे है आपके पास माइनस 10। अब ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 6 माइनस 10, 8 और 10 दोनों माइनस के हैं, ये माइनस 18 हो गए, उसमें से प्लस 6 माइनस करेंगे तो बाकी रिमाइंडर आपके पास रह जाएगा माइनस 12। यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। अच्छा, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से लाजमी जो है वो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से जो है रिमाइंडर फाइंड आउट करना आ जाता है कोई ना कोई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है नेक्स्ट हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसे हमने डिवाइड करवाना है x प्लस 2 पे। मैंने आपसे कहा था उसको आप 0 के इक्वल रखेंगे तो ये प्लस 2 दूसरी तरफ जाके माइनस 2 हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब चूंकि हमने जो है वो p ऑफ x को डिवाइड करवाना है x प्लस 2 पे, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू आता है जब हम इस पॉलिनोमियल में जो है वो x की जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे। तो ये आपने पूरी पॉलिनोमियल लिखनी है, लेकिन उसमें फ़र्क ये आएगा कि आप जहाँ जहाँ पे क्यूब वो सॉरी वेरिएबल है वहाँ वहाँ पे आपने जो है वो माइनस 2 पुट करते जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल का क्यूब है तो हम माइनस 2 का क्यूब बना देंगे, फिर ये माइनस 3 एज इट इज़ आएगा, उसके बाद वेरिएबल का स्केयर है तो वेरिएबल की जो वैल्यू है माइनस 2 हम उसका स्केयर बना देंगे, उसके बाद बेटे प्लस 4 है, और उसके बाद एक्स की जगह पे माइनस 2 आ जाएगा, और ये माइनस 14 एज इट इज़ माइनस 2 का क्यूब। अच्छा, ये माइनस जो है वो स्केयर में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर पावर यहाँ पे ओड हो यानी 3 है 5 है 7 है तो माइनस फिर 7 लिखते हैं नेक्स्ट आंसर में, और अगर यहाँ पे इवन पावर हो यानी 2 पे डिवाइड होने वाली हो यानी 2 है 4 है 6 है तो देन ये माइनस फिर नेक्स्ट हम कैरी नहीं करते। 2 क्यूब ये माइनस 8 आ जाएगा, उसके बाद माइनस 2 का जब स्केयर लेंगे तो स्केयर में वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, उस प्लस 4 को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 12। प्लस माइनस माइनस 4 2s are -8 और ये माइनस 14। अब ये सारे माइनस के इन सबको जो है वो इकट्ठा कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 42। यहाँ तक बेटे क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एक्स प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, अगर ये फैक्टर है इसका। अच्छा, अब देखते हैं जी फैक्टर होने का क्या मतलब होता है। फैक्टर जो भी किसी पॉलिनोमियल का गिवन होता है इसका मतलब है कि यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इसका रिमाइंडर होगा 0। जहाँ पे बेटे फैक्टर का वर्ड यूज़ हो जाए अंडरस्टूड है कि वो वाली वैल्यू पुट करने से वेरिएबल की जगह पे उसका जो है वो आंसर या रिमाइंडर को आपने 0 के इक्वल रख लेना है। अब आप यहाँ पे देखें आपको 2 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, एक्स की जगह पे तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको 0 के इक्वल रख लेंगे इसके रिमाइंडर को, और फिर हम उस तरीके से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले आपने इस वो जो लीनियर फैक्टर है उससे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, जब आप 0 के इक्वल रखेंगे उसको तो यहाँ पे ये प्लस 2 दूसरी तरफ जाके माइनस 2 हो जाएगा, और ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 2।
अब इस माइनस टू को आपने इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल का नेम दें, उसके बाद 3x² - 4kx - 4k² देन आप क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस टू पुट करेंगे। ये सिर्फ इंडिकेटर है, इसको आपने बाद में दूसरी तरफ ला कर सॉल्व नहीं करना। ये सिर्फ हम ये शो करवा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जगह पे हम माइनस टू पुट कर रहे हैं। वैल्यू सिर्फ इसी तरफ पुट करोगे और सॉल्व भी आप लोग इसी साइड को करोगे, 3 ये x² की जगह पे आ जाएगा -2² - 4k एज इट इज आएगा। वेरिएबल हमारे पास x की वैल्यू है जो कि है -2, वो लगा दी और ये -4k² एज इट इज। -2 का स्केयर लेंगे तो वो +4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 12। उसके बाद बेटे -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 हो जाएगा और के साथ में वैसे ही और -4k². चूंकि हमने कहा था कि ये x+2 फैक्टर है इसका, तो रिमाइंडर को फिर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो ये जितना ये आपके पास ये सॉल्व करके जो बाकी बचता है उसी को आप रिमाइंडर कहते हो, इसको आपने फिर 0 के इक्वल रख लेना है। यानी p जो पॉलिनोमियल है उसमें जब -2 वेरिएबल की जगह पे वैल्यू पुट की तो जो भी बाकी बचा उसको आपने 0 के इक्वल रखना है। तो रिमाइंडर हमारे पास फिर ये बचा था, उसको यहाँ पे हमने 0 के इक्वल रखा है। आप देखें इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 3s are 12, 4 2s 8 और उसके बाद जो है वो 4 1s are 4। अब इनको आप ये वाला जो 4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और इनको आप अरेंज कर लेंगे -k² यानी पहले के स्केयर वाली फिर के वाली और फिर कांस्टेंट। ये तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये 0 ही हो जाएगा। अब इस तरफ को सॉल्व करना है, ये आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 5.2 में मैंने आपको फैक्टर्स बनाना सिखाए थे। फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख देंगे, लास्ट वाली भी एज इट इज़ लिख देंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइड पे लिख के, जो के आता है -3k². अब जो दरमियान में वो जो +2k है बेटे उसको आपने नहीं लिखना, उसकी जगह पे आपने दो ऐसी टर्म्स लिखनी है। ये वाली जो टर्म है इसको आप नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे आप ये दो टर्म्स लिखेंगे कि उनको प्लस माइनस करें ये वाला बने और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला बने। तो 3k में से अगर 1k निकालेंगे तो वो +2k भी बन जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने से -3k² भी आ रहा है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब जब चार टर्म्स हो जाती हैं तो आप जो है वो पहली दो में से कॉमन लेते हो और फिर अगली दो में से, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा -k, यहाँ पे रह जाएगा k-3 और यहाँ पे दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे k रह जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -1 कॉमन लिया यहाँ पे k रह जाएगा और माइनस साइन चेंज करेगा तो यहाँ पे +3 की बजाय -3 हो जाएगा। अब ये देखे दोनों के रिमाइंडर सेम है, यहाँ पे है k-3 और यहाँ पे है जी -k-1 = 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे क्योंकि हमने ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये जो -3 है ये उधर जाके +3 हो जाएगा, ये बेटे k की एक वैल्यू आ गई आपके पास और दूसरा फैक्टर जो था -k-1 उसे भी 0 के इक्वल रखेंगे। ये -k है, हमें चूंकि k की वैल्यू चाहिए इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये k = -1, ये आपके पास k की दो वैल्यूज आ गई हैं। दोबारा से इसके मेथड रिपीट कर देती हूँ कि जहाँ पे आपको कह दिया जाए कि ये फैक्टर है तो आपने उसकी जब वैल्यू पुट करनी है तो रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख लेना है। यहाँ पे ये रिमाइंडर बचा था इसको 0 के इक्वल रखा, उसके बाद हमने इसमें से कॉमन लेके फिर फैक्टर्स बनाए तो आपके पास के की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी पैटर्न का है, इसमें आपको गिवन है जी x-1, अगेन फैक्टर का वर्ड यूज हुआ है। तो जब आपने x-1 = 0 के इसको रखा तो -1 इधर आके +1 हो गया, यानी कि जब आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 पुट करोगे तो जो भी इसका रिमाइंडर आएगा आप उसको 0 के इक्वल रख देंगे बाद में। किस वजह से, क्योंकि ये उसका फैक्टर है। फैक्टर वो वाली टर्म या वो वाला एक्सप्रेशन होता है कि जब उस पर डिवाइड किया जाता है तो वो पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो इसको सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल का नाम दिया, मैंने आपको बताया था इस तरफ एक्स की जगह पे 1 जो वैल्यू आई है वो पुट करते हैं और ये जस्ट इंडिकेटर है, इसको सॉल्व नहीं करना होता आपने। x³ की जगह पे 1³ आ जाएगा, -k x² की जगह पे 1² +11 x की जगह पे 1 और ये -6। 1³ का मतलब 1 ही है, यहाँ पे k 1 का स्केयर लेंगे तो 1 नहीं आएगा, उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे -k, 11 भी यहाँ पे एज इट इज रहेगा और -6। k चूंकि वेरिएबल है ये नहीं सॉल्व हो सकता, -k एज इट इज आएगा और 11 -6 और 1 इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा
प्लस सिक्स, उसके बाद इलेवन और वन जो है वो आपके पास हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से सिक्स माइनस किए तो ये आपके पास आ जाएगा सिक्स माइनस के। चूँकि ये उसका फैक्टर था तो इसलिए पी ऑफ वन का जो भी आंसर आया उसे आपने ज़ीरो के इक्वल रखना है। उसका आंसर आया बेटे सिक्स माइनस के, उसे ज़ीरो के इक्वल रखा तो के जो है वो इधर माइनस का है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन पे, यहाँ पे आपको फैक्टर्स बनाना नहीं पड़े क्योंकि यहाँ पे लीनियर फैक्टर में उसका आंसर आया तो ऐसे ही आपने वैल्यू निकाल ली है, लास्ट वाले पार्ट में आपको फैक्टर्स बनाना पड़े थे, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बेटे। होमवर्क बेटे आज का आपका जो है वो एक्सरसाइज 5.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसको अपनी नीट नोटबुक पे करना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी राफ नोटबुक पे। अब आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं बेटे। जब भी जो है वो रिमाइंडर थ्योरम से आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने का कहा जाए तो आपने उस वेरिएबल जो आपके पास फैक्टर गिवन है लीनियर फैक्टर, उसे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसको उस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है उसकी जगह पे पुट करते जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड यूज़ हुआ फैक्टर का, तो ये बात जहन में रखें जहाँ पे फैक्टर का या एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब है कि जैसे ही आप उस वाली वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे आप उसके रिमाइंडर को कंसीडर करेंगे ज़ीरो, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब है वो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5.2 का जो लास्ट वाला आज क्वेश्चन किया है उसमें बेटे अगेन वही बात कि रेलिवेंट फार्मूला आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन वो जनरल फार्मूला होता है, उस जनरल फार्मूले को जब तक आप क्वेश्चन की टर्म पर अप्लाई नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन कम्प्लीट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज जो आपको काम करवाया गया आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे रिटर्न और उसको अपनी नीट नोटबुक पे भी लिखेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।